नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपके साथ में फरहा सिद्दीकी। अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण जोर शोर से चल रहा है। अगस्त 2020 में मंदिर की नींव रखी गई थी, तब से राम मंदिर का निर्माण काम लगातार जारी है और इसका नजारा अब सैटेलाइट की तस्वीरों से भी साफ देखा जा सकता है। देखिए इस पर एक खास रिपोर्ट। श्री राम मंदिर के निर्माण का इंतजार करोड़ों लोग बड़ी बेसब्री से कर रहे हैं। श्री राम इस देश की आस्था के प्रतीक हैं। उनके मंदिर के लिए देश के करोड़ों श्रद्धालुओं ने वर्षों बहुत लंबी प्रतीक्षा की है। श्री राम मंदिर के निर्माण का कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण का काम जोरों से चल रहा है। इस बीच मंदिर निर्माण कार्य की स्टेलाइट इमेज सामने आई है, जिसमें निर्माण कार्य साफ साफ दिख रहा है। गूगल अर्थ की फोटो में जमीन की खुदाई और जमीन से मलबा निकालने को दिखाया गया है। राम मंदिर की नींव को मजबूत करने के लिए जमीन से 40 फीट नीचे से कंक्रीट के लेयर्स डालने का कार्य चल रहा है। ऐसी 45 लेयर्स डालने के बाद 12 फीट ऊंचे चबूतरे पर भव्य राम मंदिर के गर्भगृह मंडप का निर्माण शुरू होगा। राम मंदिर की नींव के कार्य के लिए जनस्थल पर जमीन से 40 फीट नीचे तक एक बहुत बड़ी गहरी खुदाई की गई है। इस खुदाई के बाद जन्मस्थल से निकली तमाम मूर्तियों और मंदिर अवशेषों को संभाल कर रखा जाएगा। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के दूसरे चरण की शुरुआत दिसंबर में होगी। राम मंदिर ट्रस्ट के मुताबिक नींव भरने का कार्य अक्टूबर के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा और दिसंबर से निर्माण के दूसरे चरण की शुरुआत की जाएगी, जिसमें भव्य मंदिर का ढांचा तैयार करने के लिए पत्थर लगाने का कार्य किया जाएगा। राम मंदिर ट्रस्ट का कहना है कि दिसंबर में मिर्जापुर के गुलाबी पत्थरों को लगाने का कार्य शुरू किया जाएगा और गुलाबी पत्थरों के लिए ऑर्डर दिया जा चुका है। राम जन्मभूमि में ही इन पत्थरों को काटने और तराशने का कार्य किया जाएगा। 400 फुट लंबाई और 300 फुट चौड़ाई वाली 50 फुट गहरी नींव में निर्माण सामग्री के 10 इंच मोटाई वाले मिश्रण की कई परतें बिछाई जाएंगी। माना जा रहा है कि भव्य राम मंदिर दिसंबर 2023 से मार्च 2024 के भव्य राम मंदिर अयोध्या में बनकर तैयार हो जाएगा। अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए अभी तक 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम इकट्ठा हुई है, लेकिन अनुमान है कि पूरी अयोध्या को विकसित करने के लिए इस प्रोजेक्ट पर करीब 10000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। श्री राम मंदिर के निर्माण के साथ साथ अयोध्या को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पर्यटन स्थल बनाने का फैसला किया गया है। वेटिकन और मक्का की तरह अयोध्या को भी विकसित करने की योजना बनाई गई है। हाल ही में मंदिर विजन प्रोजेक्ट की बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी ने भी ये उम्मीद जताई थी कि पूरी अयोध्या को इस तरह से तैयार किया जाए कि हर हिंदू जीवन में एक बार जरूर यहाँ आए। प्रधानमंत्री इस प्रोजेक्ट पर करीबी से नजर रखे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी के सबसे विश्वस्त अधिकारी रहे नृपेंद्र मिश्र इस ट्रस्ट के मुखिया हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को उम्मीद है कि मंदिर का काम 3-4 सालों में पूरा कर लिया जाएगा। हाल ही में पीएम मोदी ने भी यूपी सरकार के साथ मिलकर अयोध्या के विकास को लेकर बैठक की थी। यूपी सरकार की तरफ से इसे बड़ा धार्मिक स्थल, पर्यटन स्थल बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। 2 साल पहले शुरू हुई एक मुहिम, मीडिया में एक नया आंदोलन, शपथ झूठ को बेनकाब करने, संकल्प सच को आप तक पहुंचाने का, और इस क्रांति को मिला आपका साथ। हर दिन हमसे जुड़े लोग, 10,70,00,000 से ज्यादा दर्शक हमें देख चुके हैं। अब है आपकी बारी। उत्तर प्रदेश में नए आंदोलन की तैयारी। आपका कैपिटल टीवी अब और स्पेशल और फ्रेश। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।